तो फाइनली गाइस जवान की डायरेक्टर इटली की तरफ से एक एंग्री रिप्लाई आ चुका है फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर। जैसे आपको पता है कि फिल्म फेयर अवार्ड खत्म हो चुका है लेकिन उनके मूवी जवान को एक भी अवार्ड नहीं मिला है। तो पहले आपको बता दूं कि एसआरके की इस साल में 3 मूवी आया था। पहला मूवी था पठान जिसको डायरेक्ट करते थे सिद्धार्थ आनंद ने, और दूसरा मूवी था जवान जिसका डायरेक्टर थे डायरेक्टर इटली कुमार ने, और थर्ड मूवी डंकी वो था राजकुमार हिरानी की मूवी। और ये जो तीनों मूवी का जो कलेक्शन था वो 2600 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन था। एंड इन तीनों मूवी से जो सबसे ज़्यादा कमाने वाला मूवी था वो था जवान जिसका कलेक्शन 1200 करोड़ से भी ज़्यादा था। ऑडियंस काफ़ी पसंद किए थे इस मूवी का, और इस मूवी का भी IMDb में रेटिंग बहुत बढ़िया था और काफ़ी क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। लेकिन अभी फिल्म अवार्ड में इस मूवी को अवार्ड नहीं मिला है, और डायरेक्टर इटली का यह कहना है कि उनका मूवी को क्यों नहीं अवार्ड मिला। अगर उनको अवार्ड नहीं मिला तो एसआरके को तो अवार्ड मिलना था। देखो बेस्ट मूवी जो अवार्ड मिला है वो है 12th फेल, और जो बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिला है वो है रणबीर कपूर। लेकिन ये जो अवार्ड जो सेकेंड अवार्ड जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड वो तो एसआरके को मिलना था, मतलब शाहरुख खान को मिलना था। लेकिन जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है वो है 12th फेल को। एंड 12th फेल मैंने देखी है, वो काफ़ी बहुत बढ़िया मूवी है, और जिसका IMDb रेटिंग था 9.6 रेटिंग था, काफ़ी ऑडियंस उसको पसंद किए थे। एंड वो तो ठीक है कि बेस्ट मूवी का अवार्ड ले लिया, लेकिन जो डायरेक्टर का बेस्ट डायरेक्टर का 2023 के वो थे डायरेक्टर इटली जवान की, और जो बेस्ट एक्टर थे वो है शाहरुख खान। लेकिन उन दोनों को एक भी अवार्ड नहीं मिला है, और शाहरुख खान को एक भी अवार्ड नहीं मिला है। तो गाइस ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा अवार्ड में एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को अवार्ड नहीं मिला है। तो गाइस देखो अभी भी बहुत सारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर एंड एक्ट्रेस है वो अभी उनके भी यही बात चल रहा है कि क्यों जवान को एक भी अवार्ड नहीं मिला, एंड वो एसआरके को तो एक भी अवार्ड मिलना था, क्योंकि एसआरके जो एक बंदा वो है जो 2023 में बॉलीवुड को बहुत बड़ा कमबैक दिए थे, क्योंकि साउथ का बहुत तो दबदबा चल रहा था लेकिन वो बॉलीवुड को बहुत आगे लेके आ चुके हैं, लेकिन उनको एक भी अवार्ड नहीं मिला है। तो कैसे इस बात को लेकर आप लोगों को क्या कहना है? मुझे तो लगता है कि भाई एसआरके को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना ही था। आप लोगों का क्या कहना है ये मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। अगर आप एसआरके को फैंस हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।